आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि बहुत समय से एक बात चल रही है कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां आने वाली हैं और बाइक भी आने वाली है, मतलब टू व्हीलर भी आने वाले हैं। तो अब एक ऐसा मॉडल आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, मतलब जो कि कंपनी ये कह रही है कि जल्दी इंडियन मार्केट में उतारने वाली है, मतलब उतार सकती है, ऐसा कंपनी ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कौन सी गाड़ी है, मतलब टू व्हीलर लॉन्च हुआ है, तो भाई ये वीडियो पूरी एंटर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरा आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी है, उसकी क्या प्लानिंग है, और आप लोग जान जाओगे कि भैया एक अल्टरनेटिव फ्यूल आ गया हमारे पास जो कि कार्बन का एमिशन बिल्कुल जीरो करता है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक करती है। मगर इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाते समय इतना कार्बन निकल जाता है कि वो कोई कैलकुलेट ही नहीं करता। खैर वो तो अलग बात है। तो मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले जो आपको लाल बटन दिख रहा है ना, उसे तोड़ दो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नेता वाले आधे काम ही रहेंगे आपके। क्योंकि नेता वाले काम क्या होते हैं, वोट तो मांग लेते हैं मगर काम नहीं करते। आप भी वीडियो देख लोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, इसीलिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली टू व्हीलर और थ्री व्हीलर है वो यूएस बेस्ड एक कंपनी ने लॉन्च की है जो कि ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो ये जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर अपना पहला मॉडल लॉन्च कर सकती है और इसके लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि जल्दी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली टू व्हीलर थ्री व्हीलर को लॉन्च करेगी। ये जो कंपनी है अपने व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में लगाएगी, मतलब प्लांट लगाएगी। लॉन्च की जो टाइमलाइन है अभी तक सामने नहीं आई। इससे पहले मार्च में कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी कि उसने इंडिया में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए गुजरात में भुज का चयन किया, मतलब भुज को सिलेक्ट किया, वहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल के सीईओ को फाउंडर हिमांशु पटेल ने फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि वो बहुत जल्द इंडियन रोड पर अपना पहला टू व्हीलर उतारने वाले हैं। और उन्होंने कन्फर्म किया है कि जो उनकी आने वाले टू व्हीलर और थ्री व्हीलर है वो अभी प्रोडक्शन स्टेज पे हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो नई टेक्नोलॉजी की खोज करना और साथ में नई चीज़ों को बढ़ावा देना है, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल को सेलेक्ट किया है। ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल ने जो भुज के अंदर प्लांट सेटअप किया है वो 600 एकड़ से भी ज़्यादा में फैला हुआ है। और ये जो प्लांट है अभी बन ही रहा है और पूरा होने के बाद ये प्लांट 30 लाख स्क्वायर फीट का होगा। इंडिया के अंदर जो ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है उसका जो क्या कहते हैं R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, वो उन्होंने अहमदाबाद के पास लगाया है अंगद नगर में। ये जो प्लांट है ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च है उसको बढ़ाएगा। ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल ने पहले तेलंगाना में अपना प्लांट लगाने की सोची थी और लोग उम्मीद भी करते थे। कंपनी ने अपनी भारत योजना की घोषणा करते हुए पिछले साल हैदराबाद में 8 सीटर एच इलेक्ट्रिक SUV का शोकेस किया है। इसने कहा है कि कंपनी का जो एम है वो इलेक्ट्रिक कार, SUV, पिकअप ट्रक बनाने के लिए जो आसपास की चीज़ें मुहैया होती हैं, जो अवेलेबल होती हैं, उनका यूज़ करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे इंडिया में बेचा जाएगा बनाने के बाद, उसके बाद साउथ ईस्ट एशियाई मार्केट के अंदर भी बेचा जाएगा। तो अब जल्द ही आपको पानी से चलने वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और गाड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने कह दिया है कि उसने प्लांट लगा लिया जल्दी और काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है इस पर, और आपको जल्दी देखने को मिलेगी। बाकी अगर इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब कंपनी और डिटेल निकालती है, तो मैं आपके शेयर जरूर कर दूँगा। बाकी अगर आप लोगों को बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टली वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम भी डीएम कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।